वेलकम फ्रेंड्स, फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है यह है इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का महत्व। इस टॉपिक को हम वन बाय वन वर्ड को उसे हिंदी में लिख के ट्रांसलेट करेंगे और हर एक सेंटेंस को उसे हिंदी में टेंस के साथ ग्रामर के साथ आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे ताकि आप यहाँ से ग्रामर और टेंसेज भी सीख सकेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या कंजंक्शन लगा हुआ है, कहाँ पर कंजंक्शन का यूज है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कौन सा टेंस है, कहाँ पे मॉडल वर्ब का यूज हुआ है, कहाँ पे प्री पोजिशन का यूज हुआ है, और साथ ही साथ वर्ब के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म जो होते हैं उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे कि उसके माध्यम से आप कैसे टेंसेस को पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं बिना देरी का इसे ट्रांसलेट करता हूँ। इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, क्योंकि हर एक जीवन के लिए यानी हर एक लोगों के लिए क्या शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए शिक्षा हमारे जीवन में होना ही चाहिए। ठीक है, ऑफ मतलब होता है कि और महत्व इम्पोर्टेंट भी होता है महत्व यानी शिक्षा का महत्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स इन एवरी पर्सनल लाइफ। आर मीन्स क्या होते हैं, सब मतलब क्या कुछ, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, थिंग्स मतलब होता है चीजें। ठीक है, यानी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन मीन्स होता है मैं, एवरी मतलब क्या था हर एक, पर्सनल लाइफ मतलब क्या था व्यक्ति के जीवन या फिर व्यक्तिगत जीवन। लाइफ मतलब होता है जीवन। ठीक है, यानी हर एक व्यक्ति के जीवन में ठीक है कुछ न कुछ यानी शिक्षा क्या बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जो इज द बेसिस ऑफ देयर लाइफ, जो बेसिस मीन्स होता है आधार, ऑफ का अर्थ होता है का या फिर की, देयर मीन्स होता है उनके, लाइफ का मीन्स होता है जीवन, जो उनके जीवन का आधार है, इज मीन्स होता क्या है, विच इज द सपोर्ट ऑफ देयर लाइफ, जो है सपोर्ट मतलब क्या था सहारा, ऑफ मतलब का या फिर की, देयर मतलब उनके जीवन, जो उनके जीवन का सहारा भी है। आगे देखें तो इन द मॉडर्न इरा, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, इनमें होता है मैं, इरा का मतलब होता है युग। ठीक है, आधुनिक युग में, आधुनिक युग में ठीक है, एजुकेशन इज द बेसिस ऑफ आवर लाइफ, शिक्षा है बेसिस मतलब क्या आधार, ऑफ का मतलब का या फिर की, आवर मतलब क्या था हमारे, लाइफ में होता है जीवन, यानी शिक्षा हमारे जीवन का क्या है आधार है। आवर डेवलपमेंट का अर्थ होता है हमारा विकास, हमारा विकास इज मीन्स क्या है, पॉसिबल ओनली थ्रू आउट एजुकेशन, संभव, ओनली का अर्थ होता है केवल, थ्रू आउट मतलब होता है द्वारा, एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा, यानी हमारा विकास केवल शिक्षा से ही क्या है, शिक्षा के द्वारा ही क्या संभव है। शिक्षा यानी एजुकेशन इज द ओनली रिसोर्सेस विच गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू लिव ए रिच एंड ऑर्गेनाइज लाइफ इन दिस लाइफ। ठीक है, यानी शिक्षा है ओनली मीन्स होता है केवल साधन। ठीक है, यानी शिक्षा केवल एक ऐसा साधन है जो गिवस हमें देती है, हमें देती है ठीक है अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर, जो हमें अवसर देती है लिव यानी जीने के लिए। ठीक है, ए रिच यानी स्मृति, स्मृति मतलब क्या होता है धनी का हो, धनी मतलब सब चीज़ का आपके पास पनी पुन हो।
ठीक, उसी को बोलते हैं समृद्ध, यानी घर हो, दौलत हो, सब कुछ हो, ठीक, उसी को बोलते हैं समृद्ध। और ऑर्गेनाइज मतलब होता है व्यवस्थित, लाइफ मतलब होता है जीवन, ठीक है, यानी व्यवस्थित तो ऑर्गेनाइज जीवन क्या जीने का अवसर हमें देती है, ठीक है। इन मतलब इन दिस लाइफ, इन मीन्स होता है में, दिस मतलब होता है यह, लाइफ मतलब होता है जीवन, यानी इस जीवन में थ्रू आउट एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा के द्वारा, ठीक है, शिक्षा के द्वारा वी कैन मूव, हम कर सकते हैं, हम सकते हैं सकते हैं मूव टुवार्ड प्रोग्रेस। टू प्रोग्रेस मतलब होता है क्या, विकास, टुवार्ड मतलब क्या, देख की ओर, ठीक है, हम विकास की ओर चल सकते हैं या फिर बढ़ सकते हैं इन लाइफ मतलब जीवन में, जीवन में हम विकास की ओर बढ़ सकते हैं। बाय मतलब द्वारा, अंडरस्टैंडिंग यानी स्टडी मतलब शिक्षा, शिक्षण, ठीक है, एक्टिविटीज मतलब होता है गतिविधि, गतिविधि ऑफ मतलब का आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन, यानी कहा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे दैनिक जीवन की गतिविधि को अध्ययन करके हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस की ओर बढ़ सकते हैं, यानी आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन इज द इम्पोर्टेंट, यानी शिक्षा है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, इन मीन्स होता है हमें द डेवलपमेंट यानी विकास, यानी विकास के डेवलपमेंट के लिए, यानी विकास के डेवलपमेंट, यहाँ देखिए ऑफ मतलब होता है का पर्सनल लाइफ मतलब व्यक्ति के जीवन, यानी व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए शिक्षा क्या है, महत्वपूर्ण है। यहाँ तक बात समझ में आई, अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, एजुकेशन गिव्स यानी शिक्षा हमें देती है, एजुकेशन गिव अस यानी शिक्षा हमें देती है, ठीक है। यहाँ पे हम वी अस है, इसलिए यहाँ पे हमें लिख दिए, ठीक है, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। शिक्षा हमें देती है गुड कैरेक्टर मतलब अच्छा चरित्र और गुड मतलब होता है अच्छा कैरियर, ठीक है। शिक्षा हमें क्या देती है, एक अच्छा चरित्र देती है और अच्छा एक कैरियर देती है, ठीक है, इन दैट लाइफ यानी उस जीवन में, इनमें होता है मैं, ठीक, उस जीवन में। टुडे मतलब आजकल या फिर आज, एजुकेशन मतलब शिक्षा, एजुकेटेड पीपुल मतलब शिक्षित लोग हैं, लुक्ड मतलब क्या, देखते, आज शिक्षित लोगों को देखते हैं अपॉन मतलब अपॉन विथ रिस्पेक्ट लाइक अनएजुकेटेड शिक्षित, लाइक देखिए यहाँ पे लाइक मतलब क्या हो, अशिक्षित के जैसे, ठीक है, आदर मतलब अशिक्षित मतलब इसका अर्थ हो जाता है कि जो आज जो है लोगों, आज जो लोग ये देखते हैं ना, शिक्षित लोगों को देखते हैं, वो किस तरह देखते हैं, अनएजुकेटेड लोग की नज़र से देखते हैं, ठीक है, यानी कहते हैं कि पढ़ा लिखा ऐसे लोग नहीं है, इस तरह करके उसको मतलब इस स्वभाव से देखते हैं। एजुकेशन शिक्षा मेक्स ए पर्सनल यानी बना सकती है, बना सकती है, ठीक है, ए पर्सन यानी एक व्यक्ति को, ठीक है, प्रोफिडेंस इन डूइंग एनी वर्क, प्रोफिडेंस मतलब होता है निपुण, इनमें होता है मैं डूइंग मतलब क्या, करने, एनी वर्क मतलब कोई भी काम, कोई भी काम, कोई भी काम करने में क्या कर सकती है, शिक्षित शिक्षा बना सकती है निपुण, लेकिन बट मिस होता है लेकिन,
एन इलिटरेट पर्सन मतलब होता है एक, इलिटरेट मतलब होता है अशिक्षित, मतलब होता है अनपढ़, ठीक है। लेकिन एक पर्सन यानी एक अनपढ़ व्यक्ति कांट डू मतलब नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कांट देखिए यहाँ पे, कैन नॉट डू मतलब नहीं कर सकते हैं, एनी वर्क मतलब कोई काम, कोई काम, एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय। इन सभी वर्ड को आप याद रखिएगा ताकि आपको भी अच्छा तरह से इंग्लिश में पढ़ने में सहूलियत होगा, ठीक है। एक्सेप्ट या रादर ये सभी जो है ना, ये क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। हार्ड वर्क यानी कठिन काम, कठिन परिश्रम यानी कठिन परिश्रम के सिवाय वो और कोई भी काम क्या नहीं कर सकता है। ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यानी एक मजबूत नींव, ठीक है। फाउंडेशन मतलब होता है नींव या फिर आधार, ठीक है। ऑफ मतलब होता है का या फिर की, लाइफ मतलब जीवन, यानी जीवन का एक मजबूत आधार कैन भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी है इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, हो, और कैन मींस क्या होता है, सकना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा, हो सकती है मतलब क्या हो सकती है, बना सकती है, बुल मतलब क्या था, बनाना, यानी बना सकती है। ओनली थ्रू आउट एजुकेशन यानी शिक्षा, ओनली मींस क्या था, केवल शिक्षा के द्वारा, ठीक है, बन सकती है। एक अच्छी मजबूत नींव, एक मजबूत नींव, जीवन का एक मजबूत नींव केवल और केवल क्या, एक अच्छी शिक्षा के द्वारा ही बन सकती है। एजुकेशन इज नॉट यानी शिक्षा नहीं है, नॉट मिस होता है नहीं, इज मिस होता है, शिक्षा नहीं है केवल यानी जस्ट, जस्ट बुक इज मतलब होता है केवल, बुक इज मतलब होता है किताबी, नॉलेज मतलब ज्ञान, शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है। वी कैन डिवाइड वह यानी हम कैन डिवाइडेड मतलब बांट सकते हैं, कैन मीन्स क्या था, सकना, डिवाइडेड मतलब क्या था, बांटना, हम बांट सकते हैं एजुकेशन मतलब शिक्षा को, हम शिक्षा को बांट सकते हैं इनटू मतलब होता है मैं, मैनी पार्ट मतलब अनेक भागों में, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम शिक्षा को अनेक भागों में बांट सकते हैं। इन विच जिसमें, इन विच का मतलब क्या होता है, जिसमें नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन, मॉरल का मतलब होता है नैतिक, एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा, नैतिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, ठीक है, नॉन फॉर्मल मतलब अनौपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा। देखिए यहाँ पे शिक्षा को कितने भागों में बांटा है, एक तो है क्या नैतिक शिक्षा मॉरल एजुकेशन, एक है औपचारिक शिक्षा जिसको फॉर्मल एजुकेशन, अगला है नॉन फॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षा, ये वाला, ये लाइन यहाँ पे रिपीट हुआ इसलिए काट दे, ठीक है। टीचिंग एट मेमोरी लेवल यानी शिक्षण, टीचिंग मतलब क्या था, शिक्षण, ठीक है, मेमोरी लेवल यानी स्मृति, स्मृति स्तर यानी स्मृति स्तर का क्या, अध्ययन, अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी समझ का ले, अध्ययन समझ का स्तर, और थिंकिंग लेवल, थिंकिंग लेवल मतलब हो गया सोच, सोच का स्तर। इन सभी में हम क्या करेंगे, शिक्षा को बांट सकते हैं। एन एजुकेटेड पर्सन यानी एक शिक्षित व्यक्ति, यानी एजुकेटेड का अर्थ होता है शिक्षित, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति लिव्स मतलब रहती है या फिर जीती है, दिस लाइफ मतलब यह जीवन को, इस जीवन को जीती है, बाय एग्जामिनिंग मतलब होता है क्या, एग्जामिनिंग का अर्थ होता है जैसे परखना होता है, उसके बारे में समझना होता है, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जामिनिंग बोलते हैं, ठीक है, यानी मानव गुणों को परखना, ठीक है। एक ह्यूमन
एग्जाम में ह्यूमन क्वालिटीज, मतलब क्वालिटीज मतलब होता है गुण, ह्यूमन मीन्स होता है क्या मानव या फिर मानवीय, हाँ एग्जाम में मतलब क्या था परखना, ठीक है मानव गुणों को परखना, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, या फिर यहाँ पे आई एन जी लगा इसलिए कहा जाएगा समझना, ठीक है ह्यूमन मतलब क्या था मानव, मानवीय वैल्यू मतलब क्या था मूल्यों, क्या जाएगा मानवीय मूल्यों को समझना, और वैल्यू मतलब क्या था मूल्य। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, एन एजुकेटेड पर्सन यानी एक शिक्षित आदमी या फिर व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति हैज बीन यानी यहाँ पे हैज लगा, ठीक है हीज आवन यहाँ देखिए डिस्टेंट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है पहचान, डिस्टेंट मीन्स होता है अलग, आवन मतलब क्या होता है अपने, ही मतलब क्या होता है उनके, ठीक है या फिर उसके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक शिक्षित व्यक्ति के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा पास कहते हैं तो, ठीक है एक शिक्षित व्यक्ति के पास उसके अपने अलग पहचान होती है, ठीक है जो है मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, जो मेड ऑन मतलब क्या है बना है, बना है द बेसिस मतलब आधार, आपका मतलब क्या यहाँ पे कि देयर नॉलेज उनके ज्ञान, जो उनके ज्ञान के आधार पे बना है। वी कैन प्रोग्रेस यानी हम सकते हैं, प्रोग्रेस मतलब क्या था प्रगति, हम प्रगति कर सकते हैं इन लाइफ यानी जीवन में, हम जीवन में प्रगति कर सकते हैं बाय गेटिंग गुड एजुकेशन, गेटिंग मतलब होता है प्राप्त करना, गेट मतलब होता है प्राप्त करना, यहाँ पे आई एन जी लगा है इसलिए क्या हो जाएगा प्राप्त करके, अच्छी शिक्षा, गुड मतलब क्या होता है अच्छी या फिर अच्छा, एक अच्छा शिक्षा हम क्या प्राप्त करके हम भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, गुड यानी अच्छा और प्रोग्रेसिव एजुकेशन समृद्ध शिक्षा, ठीक है कैपेबल मतलब क्या होता है बदलने का या फिर सक्षम, ठीक है ऑफ चेंजिंग, ऑफ मतलब काया पे की चेंजिंग मतलब क्या था बदलना, यानी बदलने की क्षमता, एक अच्छी समृद्ध शिक्षा के पास क्या बदलने की क्षमता होती है, द कंडीशन मतलब होता है स्थिति, ठीक ऑफ या मतलब का या फिर की द सोसाइटी यानी समाज, यानी समाज की स्थिति को बदलने में बदलने के लिए क्या एक अच्छी शिक्षा क्या कर सकता है कैपेबल यानी सक्षम है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में समझ में आया होगा, ठीक आप उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में समझ में आ गया होगा, तो इसमें बहुत सारे आपको ऐसे वर्ड मीनिंग मिला होगा जो आप यहाँ से सीख कर आप दूसरी जगह इसका अप्लाई करेंगे बोलने में लिखने में या फिर पढ़ने में, ठीक है। चलिए हम इस वीडियो में यहीं पर विराम करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाय।